नमस्कार दोस्तों, जय गवार क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था प्रोग्रेसिव विमांकन, अब आज पढ़ेंगे हम सुपर इम्पोजिट पद्धति। यह लगभग आपकी तीन चार विमांकन पद्धति और है, यह आज की जरूरत हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। तो आपको आपका ज्यादा समय खराब न करते हुए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट का नाम आपका सुपर इम्पोजिट पद्धति। सुपर इम्पोजिट पद्धति दोस्तों, सुपर इम्पोजिट पद्धति क्या है? एक आपने देखा था प्रोग्रेसिव विमांकन, यानी आगे बढ़ती हुई विमांकन, यह है आपकी सुपर इम्पोजिट पद्धति। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है वो आप अभी देख लेगा। यानी सबसे पहले आपका इस प्रकार एक डायग्राम आएगा, यानी ये इस प्रकार का डायग्राम है लगभग आपका। ये डायग्राम है, अब इसमें देख लो, माना कि 20 की लंबाई है, ये माप इस प्रकार आपको क्वेश्चन में दी हुई आएगी। यह अब इसमें आपको बोलेगा कि दिए गए डायग्राम को सुपर इम्पोजिट पद्धति में बनाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यानी जिस माप से आपको ये दे रखा है, देखो इसकी लंबाई में देखो 1 2 3 4, यानी 20 से 4 80, टोटल लंबाई 80 है। हाइट कितनी 1 2 3 4, यानी ये टोटल हाइट कितनी हो गई 80, यानी इसकी 80 लंबाई है और 80 चौड़ाई है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाते हैं, यानी इसकी टोटल लंबाई लो कितनी 80 है, तो ये 80 एमएम की ये लंबाई आ गई दोस्तों। इसके बाद में हाइट भी कितनी इसकी 80 mm, जो इसकी 80 mm की हाइट आपकी ये आ गई दोस्तों, यानी 80 mm की हाइट आपकी ये आ गई। अब इसमें सबसे पहले 20 की लंबाई ये आ गई, इसके बाद 20 की लंबाई आ गई, इसके बाद भी 20 की लंबाई आ गई, 20 की आ गई, यानी कुल मिला के थोड़ा बड़ा करो इसको, यानी 20 20 20, यानी कुल मिला के आपका इस प्रकार का ये डायग्राम ये बन गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद देखो, यानी इसकी माप में क्या करेंगे, आपने यहाँ पर भी देखा था ये डायग्राम, तो इसमें क्या था, सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग है 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, ये काम है जरूर, 5 mm दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, और बीच में आ जाएगी आपकी डायमेंशन दोस्तों। अब ये डायमेंशन रेखा आने के बाद में ये काम है जैसे, यानी कुल मिला के इसमें क्या हो रहा है, नीचे से मापा है, उसमें क्या थी ऊपर से आने थी, तो इसमें वही 5 mm की दूरी पर 10 mm, ये भी 5 mm की दूरी पर 10 mm विस्तार रेखा, ये रेखा यहाँ गई और ये रेखा आपकी यहाँ गई, और कुल मिला के ये 5 mm की दूरी पर ये गया, और इसको सीधा काम मिला दिया इससे मिला दोस्तों। इतना काम होने के बाद में अब प्रोग्रेसिव विमांकन के था, उसमें नीचे से स्टार्ट होता, और नीचे से स्टार्ट होगा एक के बाद एक विमांकन, और एक माप इधर, इसमें क्या है ऊपर से स्टार्ट, क्योंकि प्रोग्रेसिव विमांकन क्या है नीचे स्टार्ट है, और सुपर इम्पोजिट भी क्या है ऊपर से स्टार्ट हो जाए, और इस विमांकन में ओनली एक तरफ एरोड आता है, जो आपका एक तरफ एरोड किया है, यानी यहां से जीरो से स्टार्ट हो, फिर यानी यहां पर इससे 3 mm की, हाँ 3 mm इधर, फिर एक ऊपर एक नीचे, और इसको इससे मिला दिया, यानी कुल मिला के इस प्रकार के 3:1 के एरोड प्रत्येक इस प्रकार बन जाएंगे दोस्तों, यानी प्रत्येक इस प्रकार आ रहा है आपका एरोड दोस्तों। इसी प्रकार इसमें भी ये हो जाएगा 3:1 का एरोड दोस्तों, प्रत्येक विमांकन में 3:1 का एरोड ही आ रहा है, जो आपके एरोड ही आ गए। अब इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले 20 की माप है, तो 20 की माप आप यहां पर लिख दो, फिर 20 की माप यहां लिख दो, 20 की माप यहां लिख दो, 20 की माप यहां लिख दो। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा दोस्तों, यानी इस विस्तार रेखा के ऊपर क्या करेंगे, मापेंगे 20 mm यहाँ गई, 20 mm आपकी यहाँ गई, 20 mm भी आ गई, यानी प्रत्येक विस्तार रेखा के ऊपर 20 20 mm की माप आ जाए। अब इसकी परिभाषा देखो दोस्तों, सबसे पहले इस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप सामने से तथा दाहिनी ओर से देखनी पड़ जाती है। देखो दोस्तों दाहिनी ओर से 20 20 20 दिखाई दे रही है, तथा सामने से, सामने देखो 20 20 20 विशुद्ध माप दिखाई दे रही है, तथा वस्तु की माप ऊपर से स्टार्ट हुई है। आपने प्रोग्रेसिव विमांकन आगे बढ़ती विमांकन देखा,
पद्धति इसी प्रकार थी, लेकिन उसमें क्या था, नीचे से स्टार्ट हो रही थी, यानी इधर तो इधर बढ़ रही थी, इधर ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन सुपरइम्पोज्ड पद्धति में क्या है, माप ऊपर से स्टार्ट हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, 20 20 20, और इसमें क्या हो रहा है, ये आ रही है, यानी कुल मिला के आपकी 20 20 20 और 20, यानी कि इस प्रकार ये माप हो रही है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा होगी, इस विमानकर में वस्तु की माप सामने से तथा दाईं ओर से देखकर पढ़ी जाती है तथा वस्तु की माप विस्तार रेखा के ऊपर लिखी जाती है। ये दो ही पद्धति ऐसी, एक तो आपकी आगे बढ़ती विमानकर, एक आपकी सुपर इम्पोज़ पद्धति। इनमें क्या होता है, विस्तार रेखा के ऊपर माप लिखी जाती है। अब आपकी जो पहले की विमानकर पद्धति जिसमें सरेखीय पद्धति अनेक विमानकर थी, उसमें डायमेंशन रेखा के ऊपर माप आती है, तथा एक पद्धति कौन सी थी, एक दिशीय पद्धति यानी आपकी यूनिट डायरेक्शन सिस्टम, उसमें क्या था, इस विमानकर रेखा को बीच में बैठा के माप लिखे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस प्रकार आपकी सुपर इम्पोज़ पद्धति क्लियर हो चुकी है दोस्तों। तो इससे अगला वाला पॉइंट देखते हैं, ये लगभग आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब अगला पॉइंट है आपका चेन पद्धति, यानी 6 नंबर का आपकी चेन पद्धति, और चेन पद्धति यानी CHAIN हो गई चेन सिस्टम। अब चेन सिस्टम कैसे हुई, यानी एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, अब डायग्राम किसी भी प्रकार का सकता है, वो अगले के ऊपर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी किस प्रकार का डायग्राम देगा। तो आपका लगभग एक हम डायग्राम बना रहे हैं फ्री हैंड, जो किस प्रकार आपका एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ये डायग्राम है दोस्तों, अब इसमें देखो, माना कि इस बार की लंबाई है 20, इसकी भी 20 आ गई, ये भी 20 आ गई, ये भी 20 आ गई, ये भी 20 आ गई, और ये आ गई 40, ये आ गई 20, और ये भी आ गई 20, इस प्रकार का डायग्राम है। अब इसमें देखो दोस्तों, अब आपको इसकी टोटल लंबाई देखो, 20 एक 20 2 40 3 20 4 80, टोटल लंबाई 80 हो गई। हाइट में देखो, 20 ये आ गई, 40 मीटर कितनी हो गई, 60 की हाइट। अब ये तो आ गया आपका डायग्राम, आपको दिया है इस प्रकार डायग्राम, और बोलेगा कि इस डायग्राम को आप चेन सिस्टम में चेंज कीजिए। तो अब चेन सिस्टम में बनाने के लिए ये आपका बिना माप का पेपर दिया जाएगा, लेकिन अब यही माप पे आपको माप से बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल लंबाई 80 है, तो 80 के लिए सबसे पहले हम 80 एमएम की रेखा खींचेंगे, यानी कुल मिला के ये के आ गई आपकी 80 एमएम की लंबाई। अब 80 एमएम की लंबाई आने के बाद में क्या करेंगे, ये हाइट कितनी है, 20 और 40 60, तो 60 की क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे दोस्तों। अब हाइट लेने के बाद में ये लंबाई कितनी है, 20, जो 20 की लंबाई आपकी ये आ गई। इसके बाद नीचे कितना आ रहा है, 20, जो 20 की लंबाई ये आ गई, यानी 20 की लंबाई आपकी ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है, 20, जो 20 की लंबाई आ गई। इसके बाद वापस ऊपर 20, फिर आगे कितना आ रहा है, 20, फिर नीचे कितना आ रहा है, 40, और 40 आने के बाद में आगे कितना जा रहा है, 20, और 20 जाने के बाद वापस नीचे कितना आ रहा है, 20। इस प्रकार का ये डायग्राम हो गया आपका। अब इस डायग्राम में आगे देखना दोस्तों, यानी कुल मिला के अब इसमें आपको इस प्रकार दर्शाना है, वही 5 एमएम की दूरी पर 10 एमएम की विस्तार रेखा, 5 एमएम की दूरी पर 10 एमएम की विस्तार रेखा, 5 एमएम की दूरी पर 10 एमएम की विस्तार रेखा, 5 एमएम की दूरी पर 10 एमएम की विस्तार रेखा, और 5 एमएम के बाद फिर 10 एमएम की विस्तार रेखा, और बीच में क्या जाएगी दोस्तों, आपकी वही डायमेंशन रेखा। इतना काम होने के बाद में प्रत्येक पर माप लिख दो, यानी क्या जाएंगे दोनों तरफ। अब आपको मालूम है 20 20 के हैं, तो 20 20 आपको मालूम है रेखा की लंबाई 30 एमएम तक है, तो उसमें 3:1 के एरोइड होंगे, तो प्रत्येक में क्या हो रहा है, 3:1 के एरोइड हो रहे हैं। तो प्रत्येक बिंदु पे लो इस 10 एमएम विस्तार रेखा से 3 एमएम इधर, 1 एमएम ऊपर नीचे, फिर आपकी ये क्या आ गई आपकी एरोइड, ये 3 एमएम इधर, 1 ऊपर 1 नीचे, और ये आ गई आपका एरोइड दोस्तों। यानी प्रत्येक बिंदु से आप यही काम है करते रहो दोस्तों, प्रत्येक बिंदु से इस प्रकार है। अब इस पर माप लिख दो, यानी 20 20 20 और 20। इसके बाद इसमें क्या दशा देखें, इसके हाइट की दशा दोस्तों, यानी इस वस्तु से 10 एमएम की दूरी, यानी 5 एमएम दूरी पर 10 एमएम विस्तार रेखा, ये भी 5 एमएम दूरी पर 10 एमएम की विस्तार रेखा, और ये आप इधर रह दो, ये टोटल दर्शा दो। अब इसी तरह ये 20 का तो ये क्या आएगा आपका 3:1 का,
ये भी तीन अनुपात एक का दोस्तों। इसके बाद में ये क्या है आपकी 40 यानी 30 से अधिक है और 30 से अधिक है तो ये क्या है छह अनुपात दो, तो छह अनुपात दो का एरर आपका ये आ गया दोस्तों, तो छह अनुपात दो का आपका एरर ये आ गया दोस्तों। और इस पे भी लिख दो 20 और 20 यानी चोरी कितना है 40। अब दोस्तों इस प्रकार ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब इसकी परिभाषा आप देखो यानी चेन पद्धति, नाम से देखो चेन यानी ये चेन की तरह जुड़ा है यानी चेन की कड़ी आती है, तो एक कड़ी के बाद में ये समान लंबाई की रेखा है और समान लंबाई की रेखा प्रत्येक कड़ी से आपस में जुड़ी है। तो देखना दोस्तों चेन पद्धति की परिभाषा, इस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप सामने से, लगभग सभी विमांकन की परिभाषा लगभग सेम है, यानी इसकी परिभाषा होगी इस विमांकन पद्धति में वस्तु की माप सामने से तथा दाईं ओर से लेकर पड़ जाती है तथा प्रत्येक वस्तु की माप समान रूप से कड़ी की तरह जुड़ जाती है 20 20 20। यानी आपने देखा होगा कि इस तरह की प्रत्येक कड़ी है, ये कड़ी है 20 की, ये कड़ी है 20 की, ये कड़ी है, यानी प्रत्येक कड़ी 20 20 mm के इस प्रकार जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं चेन यानी चेन की आकृति की तरह। तो इस विमान में यानी इस विमान में वस्तु की माप सामने से दाईं ओर से लेकर बढ़ी जाती है तथा एक वस्तु की माप के बाद दूसरी यानी समान लंबाई की लगातार दर्शाई जाती है, उसे चेन पद्धति कहते हैं तथा वस्तु की माप डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखी जाती है। तो इस प्रकार ये आपकी चेन पद्धति मेरे सारे दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका छठा पॉइंट भी क्लियर दोस्तों। अब इससे नेक्स्ट अगला पॉइंट देखना दोस्तों, यानी आपकी विमांकन पद्धति का ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, यानी छह पॉइंट क्लियर हो चुके हैं लगभग आपके और सातवां पॉइंट यानी अब इन सभी विमाओं को शामिल करके एक विमांकन पद्धति और बनाई गई है, उसे बोलते हैं हम यानी सातवां नंबर का पॉइंट आपकी संयुक्त विमांकन। संयुक्त यानी सभी विमाओं को एक जगह समाहित किया गया है, संयुक्त विमांकन, संयुक्त विमांकन पद्धति। और संयुक्त विमांकन पद्धति को क्या बोलते हैं इसमें, कंबाइंड डायमेंशन सिस्टम यानी कंबाइंड डायमेंशन सिस्टम। दोस्तों इंग्लिश जरूर की देख करके रखना क्योंकि वहां पर आपको इंग्लिश यानी कंबाइंड डायमेंशन सिस्टम यानी इसको कंबाइंड डायमेंशन सिस्टम में चेंज करो। अब इसके लिए आपको एक डायग्राम दिवाएगा, अब वो डायग्राम देखो किसी प्रकार का सकता है जैसे आपका ये डायग्राम मन से बना रहा हूं, आगे वो आप कैसी किसी प्रकार आ सकता है, अब वो आपको क्लियर करना है किस प्रकार बनाना दोस्तों। ठीक दोस्तों इस प्रकार के डायग्राम, अब इसमें देखना दोस्तों माना कि इसकी माप आ गई 20, इसकी माप आ गई 25, फिर इसकी माप भी मान ली गई आप लोगों ने यानी 15 माप 15 ये और ये बच गई लगभग दोनों सेम है तो इसको मान लो आप 30, ये आ गई आपकी फिर से 15 और ये 10 एमएम अधिक है तो ये हो गई आपकी 40 की और ये हो गई लगभग आपकी 10 एमएम की, फिर ये हो गई आपकी ये हो गई आपकी 5 एमएम की और 5 एमएम की होने के बाद ये बच गई ये मान लो आप 15 की। अब दोस्तों देखो 40 से 5 45 हो रही है और ये 30 40 50 यानी कुल मिला के दोस्तों ध्यान रखना 30 और 25 कितने 55 55 तो ये आप 15 मानो क्योंकि 40 से 15 कितने हो गए 55 हो गए दोस्तों। इसी प्रकार अब 40 50 55 और 55 ये भी देखो 15 का हुआ तो 55 60 60 70 इसके टोटल राइट आप 70 मारो। तो इस प्रकार आपको ये डायग्राम दिया और बोलेगा कि इस डायमेंशन सिस्टम को आप कंबाइंड डायमेंशन सिस्टम में चेंज कीजिए। तो इसके लिए आप पहले आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ेगा और सभी विमाओं को इसमें शामिल किया गया है तो लगभग सभी विमाओं को इसमें दर्शाना भी पड़ेगा। एक चीज का देखना इसमें लगभग सभी विमाओं आपको समांतर पद्धति यानी एलिमिनेशन दर्शाएंगे, यहां पर आपको सुपरइम्पोज्ड प्रोग्रेसिव विमांकन और एक दिशीय पद्धति यानी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम की तीन पद्धतियों का उपयोग नहीं करना ध्यान रखूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यानी एक दिशीय पद्धति में क्या था डायमेंशन रेखा को बीच में मिटा के माप लिखी जाती है तथा
आगे बढ़ती हुई मांग ने सुप्रीम पदल पद्धति में क्या था, उसमें वस्तु की माप में एक तरफ एरर था तथा विस्तार रेखा के ऊपर माप लिखते थे, एक ये भी दर्शाना तथा एक इसी से मिली जुली पिछली आपने देखा था यानी सुपरइम्पोज़, उसमें भी क्या था, उसमें माप ऊपर से स्टार्ट थी और प्रोग्रेसिव नीचे से स्टार्ट थी। तो इन तीनों को छोड़ के आप बाकी बच गई यानी इसमें समांतर पद्धति आ गई, एक दिशीय पद्धति आ गई, चयन पद्धति आ गई, ये सभी विमाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इसका आप आगे डायग्राम देखते हैं दोस्तों। तो माना कि यह इसका डायग्राम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये माप आ गए कितने, इसकी टोटल माप कितनी है दोस्तों, देखो पहले थोड़ा ऊपर चले क्योंकि ये नीचे इसकी ये बन गया आपकी क्या डायमेंशन रेखा है, ये माप तो आपकी आ गई कितनी माप है देखो दोस्तों, देखो 15, 10, 25, 25, 15, 40, 40, 15, 40, 15 हो गई, 55, 55, 20, 55, 20 हो गई 65, 75, यानी इसकी टोटल माप आ जाएगी 75। तो सबसे पहले आपने 75 की रेखा खींची, 75 एमएम रेखा खींचने के बाद यह कितनी 70, तो इसके बाद में आपने 70 एमएम की रेखा खींची दोस्तों, 70 एमएम की रेखा खींचने के बाद ये लंबाई कितनी 20, इसके बाद में आपने 20 एमएम की रेखा खींची दोस्तों, इसके बाद नीचे की तरफ 25, फिर आपने 25 एमएम की रेखा खींची दोस्तों, इसके बाद वापस कितनी है 15 दोस्तों, इसके बाद में वापस नीचे कितना आया दोस्तों 30 आया दोस्तों, फिर वापस कितनी थी 15 दोस्तों, फिर आपने 15 एमएम की रेखा खींची, 15 के बाद ये कितनी है दोस्तों 40, फिर आपने 40 एमएम की रेखा खींची दोस्तों, फिर वापस कितनी है 10, फिर आपने 10 ली, यानी इस डायग्राम में जो मापे वही माप आपको यहां दर्शाए, देख लो कितने, क्योंकि डायग्राम में आपको डायग्राम बनाया हुआ पेपर में और उस डायग्राम के अनुसार माप से चित्र बनाने जा रहा। फिर इस विमांकन पद्धति में क्या है यानी इसमें माप दर्शाएंगे, इसमें आपकी विमांकन रेखा, विस्तार रेखा, एरर, इन्हीं का महत्व है और यही डायग्राम में दर्शाया है, क्योंकि यहां तो दशा नहीं हुई है, यहां पर आपको दशा दी, यानी ये दशा आपकी यहां की, इसके बाद में कितनी 15, जो 15 आपकी यहां आ गई, यानी कुल मिला के इसके बराबर में आपकी ये 15 आपकी यहां आ गई, इसके बाद में कितनी 15, जो आपकी 15 आपकी यहां आ गई दोस्तों, इसके बाद में वापस नीचे कितना रहा 70, जो आपकी 70 नीचे याद आएगी दोस्तों। इस प्रकार ये आपका क्लियर डायग्राम होगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना, अलग अलग दर्शाएंगे, सबसे पहले ये माप कितनी है 20, तो माना आपने सबसे पहले ये माप है 20, तो 5 एमएम की दूरी पर इसके सिद्ध में 10 एमएम की विस्तार रेखा आ गई और बीच में आ गई डायमेंशन रेखा, उनके सिरों पर क्या आ गया एरर दोस्तों, और इसमें लिख दो माप कितनी 20, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों देखो ये माप कितनी है 15, तो आप एक बार बीच में छोड़ दो यहां पर 15 ले लो और यही 15 आपकी यहां पर 5 एमएम की दूरी पर 10 एमएम विस्तार रेखा के बाद में वो 3:1 का क्या जाएगा एरर आ जाएगा दोस्तों, और ये 20 माप यहां लिख दो। इतना होने के बाद दोस्तों अब नीचे देखना 20 और 15 कितनी हुई 35, और 35 और 15 कितनी हुई 35 और 15 हो गई आपकी 40, 50, तो यहां पर क्या आएंगे इसी से आगे 10 एमएम की विस्तार रेखा जो, और यहां पर भी इससे नीचे 10 एमएम की विस्तार रेखा जो, और बीच में क्या है जो डायमेंशन। अब आपको मान लो टोटल लंबाई देखो 20, 20, 40, यानी 20 तो आ गई आपकी है ना दोस्तों, ये 15 है तो ये आपकी 15 की माप आपकी आ गई दोस्तों, ठीक है। तो अब आप देखो 20 और 15 दुना 30 होगी, तो 30 और 20 की 50, टोटल 50 है। अब यहां पर माप तो नहीं दो कोई बात नहीं, आप बीच में डायमेंशन गए, लेकिन ये ध्यान रखना रेखा की लंबाई 30 से अधिक है तो इसमें एरर क्या आएगा 6:2, तो इस विस्तार रेखा से 6 एमएम की दूरी 2 ऊपर 2 नीचे और ये आ गया आपका एरर दोस्तों। ये काम इधर दो, विस्तार रेखा से 6 एमएम इधर 2 ऊपर 2 नीचे और ये आ गया आपकी ये हो गया क्लियर। इतना होने के बाद दोस्तों अब आगे देखो 15 और ये कितनी है 10, 35, 15 और 10 25 हो गई, तो इसमें आप यही कर लोगे यानी यहां से खींचो और ये रेखा आ गई, यानी 20 तो आपकी है क्योंकि ये 20 है तो ये 20 आ गई। अब इसके बाद में आप देखो नीचे 10 एमएम नीचे आओ और यहां पर 10 एमएम नीचे आओ और बीच में डायमेंशन का खींचो, खींच लिया। अब माप देख लो एक बार 15 और 10 25, माप क्या है 30 एमएम से कम है, तो ध्यान रखना अगर 25 या अगर 30 में थी
तो भी वो क्या था, तीन पद एक एरो था। यहाँ पर 50 है तो 6 पदों का है डायग्राम, अगर 30 एमएम से कम है तो वो आपका तीन पद एक आएगा। तो इस तरीके से तीन की दूरी एक ऊपर एक नीचे और ये तीन अनुपात एक एरो आपके ये आ गए। दोस्तों इन एरोडो का एक विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये एरोडो आपकी विस्तार रेखा को स्पर्श करते हुए बाहर नहीं निकले, उनकी रेखा को स्पर्श करे, अगर बाहर हो गई तो क्या जाएगा आपका एरोडो दर्द। इतना काम होने के बाद दोस्तों देखो 20 की ये 30 हो गई तो आप इसको देखो 10 तो इसके बराबर आने के लिए बढ़ गई, अब लगभग ये तीनों बराबर है एरोडो। अब इसकी टोटल माप दर्शन आपको टोटल माप, तो टोटल माप दर्शन के लिए पहले तो दशम की विस्तार रेखा इधर बढ़ाओ और ये काम करो दशम इधर विस्तार रेखा बढ़ाओ और बीच में क्या जाएगी आपकी डायमेंशन रेखा। अब बीच में डायमेंशन रेखा आ गई तो आपको मान लो टोटल लंबाई आएगी 25 और 50 कितने हुई 75, तो 75 माप तो लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर 75 माप आई। 75 माप आने के बाद आपको मान लो 30 एमएम से दिखाई, तो जिस प्रकार माप कितने 30 एमएम से दी एरोड दो ही प्रकार का देखो, तीन पात एक का लंबाई छोड़ेगा दूसरा लंबाई छोड़ेगा छन पात दो वो 30 एमएम से दी, तो ये देखो 30 एमएम से छन पात दो है तो यहां पर भी आएगा छन पात दो का क्या आएगा एरोड। तो इस विस्तार रेखा से 6 एमएम की दूरी पर एक ऊपर 2 एमएम नीचे 2 एमएम ऊपर, तो ये आपका एक एरोड इस प्रकार आ गया। यही एरोड क्या बनाएगी, यहां बनाएगी 2 ऊपर 2 नीचे और ये एरोड इधर ये आ गया। इस प्रकार ये हो गया। अब इस प्रकार लगभग ये आपकी विमानों सभी विमानों को शामिल है क्योंकि अलग अलग भी दर्शा के देख लिया एक जगह समाहित कर दिया तो पूर्व को एक जगह समाहित कर, इससे बोलते संयुक्त विमानन, यानी इसकी परिभाषा होगी संयुक्त विमानन में इस विमानन पद्धति में लगभग सभी विमानों को समाहित किया जाता है तथा विमानन पद्धति को सामने से तथा दाईं ओर से देखकर पढ़ा जाता है तथा वस्तु की माप डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखाई लिखी जाती है जिसे बोलते हैं संयुक्त विमानन। तो इस प्रकार आपका संयुक्त विमानन ये क्लियर हो चुका है दोस्तों, लगभग ये भी आपका क्लियर। अब लगभग इतना क्लियर होने के बाद में अब इस लेसन की अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका भी आप थोड़ा ध्यान रखें, यानी किस प्रकार बनाए, यानी महत्वपूर्ण बिंदु है उन महत्वपूर्ण बिंदु को देख लो आप, यानी किस प्रकार क्या बनेंगे, यानी विमानन पद्धति के नियम। विमानन पद्धति के नियम, यानी सबसे पहले विमानन पद्धति का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहला पॉइंट होगा सबसे पहले वस्तु का निर्माण साफ सुथरा करें, साफ सुथरा किसके यानी एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी इस प्रकार नहीं कोई रेखा टेढ़ी कोई रेखा किस प्रकार, तथा रबड़ का उपयोग कम करें। दोस्तों ध्यान रखना विमानन पद्धति में आपको रबड़ का उपयोग कम से कम करें, क्यों, क्योंकि अगर आप रबड़ से बार बार सीट पर बिठाओगे तो ध्यान रखना सीट गंदी हो जाएगी और उस पर आपका डायग्राम इतनी सफाई नहीं आएगी और सफाई नहीं आएगी तो एग्जाम इसको गलत भी कर सकता है। अगला देखो एरो हेड की लंबाई चौड़ाई तीन पात एक हो जिसमें 15 डिग्री का कोण हो, ठीक है दोस्तों, यानी आप एरोड बनाओगे उसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा तीन पात एक तो होगा, लेकिन दोस्तों एक चीज का उदाहरण ना ये तीन अनुपात एक है ना ये 30 एमएम तक की रेखा के लिए है दोस्तों, अगर रेखा की लंबाई 30 एमएम तक है या इससे कम है तो आपको ये एरोड काम में लेना है। तथा अगला पॉइंट है अगर रेखा की लंबाई
30 mm से अधिक हो तो एरो हेड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 6:2 होगा तथा कोण क्या होगा इसमें? कोण होगा 30 डिग्री। यानी इसी प्रकार की रेखा अगर 30 mm से अधिक तो उसके लिए 6:2 का एरर होगा। तो इस प्रकार इन विमानन पद्धतियों में लगभग इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। अब आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक अलग चीज पढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये हिसाब से आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।